संगीत बजा, कौन सा बजा? और गाया फिल्म वालों ने, क्या गाया फिल्म वालों ने? अरे तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, हम अकेले आंखों के रसते यूं हंसते हंसते लगते सरगम के मेले। हाय हाय हाय, इन्हें भी बुला लो, उन्हें भी बुलाओ, कहां है ये दुनिया वाले, तो डफली वाले डफली बजा बजा बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं, मना जो तू न जा, मना जो तू न जा। आदरणीय ससुराज जी, फिल्म वाले कह रहे कि मैं नाचू तू नचा, और का अब यही लाइन हम लोगों ने सार्थक करने का प्रयास किया है। और क्या, कैसे कैसे? बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को बता रहे हैं, कहने लगे देवी देवी, एक बार क्या हुआ, क्या हुआ एक बार, के चले बन ठन के मोहिनी वो बन के, तो चले बन ठन के मोहिनी वो बन के, अरे मदमस्त मैं हो गया था, मोहिनी का रूप देख करके मैं मदमस्त हो गया, और जब उनका ये सुंदर रूप मैंने देखा तो जरा बल खा के, अरे ठुमका लगा के, जरा बल खा के ख्वाबों में मैं खो गया था। हाय हाय हाय, मैं तो भगवान विष्णु के उस रूप को देख करके उनके ही ख्यालों में खो गया। तो हुआ क्या, के ठुमका लगा के, जरा बल खा के ख्वाबों में मैं खो गया था, जो भस्म न चाया भगवान श्री हरि विष्णु ने, जो भस्म न चाया वही नाच भाया, ये कहने लगे डमरू वाले, क्या कहने लगे, क्या कि ओ चक्र वाले लीला रचा रचा रचा, ऐसी माया दिखाए है वहां, वो नाचे मैं नचा, वो नाचे मैं नचा, वो नाचे मैं नचा। मोहिनी बनकर के वो नाचे तो मैं भी नचा। और क्या, अब एक जगह और सुनिएगा, सुनिए कि कौसल्या नंदन, कौसल्या नंदन असुर निकंदन, जन्मे अवध रघुराई। राम जी का जब जन्म हो गया अयोध्या में, तो उनके दर्शन करने के लिए बाबा भोलेनाथ ने क्या किया, क्या किया? कौसल्या नंदन असुर निकंदन, जन्मे अवध रघुराई। तो दो छवि है न्यारी, बाबा भोलेनाथ ने दो छवियां बनाई, अरे दो छवि है न्यारी, हम ही मदारी, हम ही बने कपिराई। हाय हाय हाय, वही मदारी बने हैं और वही बंदर बने हैं। और का, तो दो छवि है न्यारी,
हम ही मदारी हम ही बने कपिराई। और जब सुना कि मेरे आराध ने जन्म लिया तो अवधपुर सिधाया प्रभु को नचाया। कैसे नचाया? कैसे अवधपुर सिधाया प्रभु को नचाया तो लगे नाचने पूछ वाले, लगे नाचने पूछ वाले। ओ धनुहा वाले धूम मचा मचा मचा, नाच ऐसा नचाया है वहां वो नाचे मैं नचा। एक जगह बाबा भोलेनाथ और नाचे, क्या माता पार्वती से भोलेनाथ जिद कर रहे हैं, कह रहे देवी तुम रोज रोज अकेले चली जाती हो, अकेले आखिर जाती कहाँ हो? तो माता ने कहा स्वामी मैं भगवान की महारास देखने जाती हूँ, वहाँ केवल नारियों का जाना अनिवार्य है, पुरुष नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप जाओगे तो आपको भी नारी बनना पड़ेगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं नारी बनने के लिए तैयार हूँ, तैयार हो, लेकिन जाऊंगा जरूर। जाओ। और मानूंगा नहीं। तो हुआ क्या? क्या? तो गोकुल नगरिया गोकुल नगरिया जन्मे सवरिया, अरे गोकुल नगरिया जन्मे सवरिया तो करते किशन नर लीला। कैसी? कैसे? तो संग में भवानी जागोरा रानी, अरे देखूंगा वो रास लीला। हाय हाय हाय। और जब रास लीला में भोले बाबा पहुंच गए, लंबा सा घूंघट डाले हैं, ना तो किसी से बोल रहे हैं ना बात कर रहे हैं, एक तरफ कोने में खड़े हैं। कन्हैया लाल बहुत देर तक देखते रहे। भगवान कन्हैया उठ करके आए और पूछा ये आखिर ये कौन सी नई गोपी आ गई है। आकर के आए, भोलेनाथ का हाथ पकड़ लिया और जैसे ही उनका घूंघट उठाया तो जिनको सब गोपी समझ रहे थे वो गोपा निकल आए। गोपा। और वहीं बाबा भोलेनाथ का नामकरण भी हो गया, उनका नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। तो मेरी लाइन कह रही है, अरे संग में भवानी जागोरा रानी तो देखूंगा वो रास लीला, बनू मैं भी नारी, अपने भगवान के दर्शन करने के लिए नारी भी बन जाऊंगा, तो बनू मैं भी नारी जहाँ वो बनवारी, ये कहने लगे भोले भाले। क्या कहने लगे? क्या? के मुरली वाले से ना कोई बचा, उनसे कोई नहीं बच पाया, तो ऐसी माया दिखाई है वहाँ वो नाचे मैं नचा। बोलिए शंकर भगवान की जय। और ये प्रथम चक्र मेरी ओर से भी संपन्न हुआ, आइए अब इसी चक्र अब नहीं समझ पा रहे हैं ताकि जी कि आखिर आज आपको हुआ क्या है? सर्दी लग गई है। बोली वंदना, वंदना 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 शुरू कहां से की?
ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें। अरे कुछ तर्जे ऐसी हैं जिनको गाने की बताने की आवश्यकता नहीं है, लोग समझ जाते हैं। राखी जी उसके बाद जवाब जो भी आपने दिया है, एक लोटा जल गीत को आपने समझा ही नहीं कि चल कवरिया चल चढ़ा दे एक लोटा जल। कि जल है अनेक पर है एक गंगा जल। जल तो तमाम है, कुछ नहीं है एक बूंद अश्रु जल। एक कीमती चल रही है, एक लोटा जल, एक गंगा जल, एक बूंद अश्रु जल और एक मन कमल। और आपने किस मूड में पढ़ दिया है, उमेश भाई को लाओ। नैनों में अनल है, देखिए आप लोग थोड़ी देर बैठी रहिए, भगवान भोलेनाथ का जागरण है, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, रात में घर में सोने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दरबार में अगर आपने जागरण कर लिया तो पता नहीं भोलेनाथ से क्या मिल जाए। क्या बात है, थोड़ी देर बैठी रहिए। राखी जी नैनों में अनल, जबकि हमने तो पढ़ा है कि दो नेत्रों में तो पानी है, तीसरे नेत्र में ज्वाला, जब तीसरा नेत्र वो तो केवल एक है जिसमें ज्वाला है। ये बात आपने बता दिया, नैनों में अनल छोड़ता हूं। अब आपके गुरु जी राम सुरेश द्विवेदी जी हैं, लेकिन वंदना आपने हरी हिंदुस्तानी की गाई है, बुढ़िया भारती जी ने बहुत गाया है, बहुत गाया है। क्या हो रहा है भाई, राखी जी क्या हो रहा है। अच्छे रचनाकार उमेश भाई बैठे हैं, उसे लिखवा लीजिए, या जिसका गीत गाइए उसका नाम ना हटाइए। चलते हैं आपके गीत के जवाब की तरफ। कि तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, एक दूजे बिन हम अकेले। मेरे बिन तू क्या, एक दूजे बिन हम अकेले। यूं हंसते हंसते अखियों के रसते लगते हैं सरगम के मेले। हाय हाय हाय, इन्हें भी बुलाओ, इन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी बुलाओ, कहाँ है ये दुनिया वाले। डफली वाले डफली बजा, बता बता मैं नाचूं, ये मेरे घुंघरू बुलाते हैं। हाँ मैं नाचूं तू नचा, भगवान भोलेनाथ को केवल आपने नचाया। राखी जी केवल कोशिश की है, सतयुग त्रेता द्वापर में भोलेनाथ को आपने नचाया है, उनके नाचने से कुछ मिल जाए तब गाने का मजा है। देखिए जवाब ला रहा हूं, मंच का प्रयास देखिएगा,
कि शिव भोले शंकर जो है प्रलयंकर धारे रूप भयंकर, कि हरि के जो किंकर प्रभु अभयंकर न्यारी रहे लीला कर। हाँ हाँ अजब रूप धारे, अजब रूप धारे, अजब रूप धारे है त्रैलोकी न्यारे, है रूप न्यारा सवारे। वो डमरू वाले डमरू बजा, और जब डमरू बजा नाच रहे भोलेनाथ, और जब उनका डमरू बजा आई उड़ रिलिंग एओंगे ओ छल बसर, पारित के 14 सूत्र मिले। धन्यवाद है इन पहलियों के लिए। और क्या कि डमरू वाले डमरू बजा बजा बजा, तो स्वर व्यंजन मिले हैं वहां, जो नाचे स्वर सजा तांडव किया। जब तांडव नृत्य किया तो पाणिनि के 14 सूत्र कहे जाते हैं, उन्हीं 14 सूत्रों से हमारे स्वर और हमारे व्यंजन, जो नाचे स्वर सजा। जो नाचे स्वर सजा, और जो नाचे तो स्वर सजा। ये बात समझते रहो भाई, एक टुकड़ा और देखिए। ये 5 मिनट का प्रयास है। प्रभु राम के दरबार में वही बंदर वही मदारी, लेकिन जब माता जानकी का जन्म हुआ जनकपुर में, छोटी सी जानकी एक दिन रो रही है, उनका रोना ही नहीं बंद हो रहा है। तब किसी या सुकुमारी रोती दुलारी कैसे भला हर साई, तो भव भयहारी शिव त्रिपुरारी संग में शिवा के है आए। जो नाचे भयहारी तो हर सिद्ध दुलारी, नाचे भयहारी तो हर सिद्ध दुलारी मुस्कान मुख पर सवारे। वो डमरू वाले डमरू बजा था, था, तो फिर खुशियां मिली है वहां, जो नाचे स्वर सजा। ये बुद्ध राम साहू जी भवनियापुर आपके द्वारा प्रदान है। एक टुकड़ा और देखिए, तांडव किया तो स्वर व्यंजन मिल रहे हैं, और एक जगह है और राखी जी कुछ मिला भगवान भोलेनाथ के नाचने से और गाने से। एक बार जब गोलोक में राधा महोत्सव मनाया गया, सारे देवताओं को भगवान कृष्ण और राधा ने बुलाया, सारे देवता आए, भगवान भोलेनाथ भी आए, और जब भगवान भोलेनाथ आए नाच गाना शुरू हुआ, तो गोलोक आए जो मन को भाए राधा महोत्सव मनाए, तो देव हर्षाए नाचे वगाए, देव हर्षाए नाचे वगाए, शिव राग छेड़े मन भाए। हा हा, जब भगवान भोलेनाथ ने नाचना गाना शुरू किया तो राधा और कन्हैया इतना मंत्रमुग्ध हो गए
कि राधा किशन के राधा किशन के अरे कल दे तन है। भगवान शिव के नाच गाने से राधा और कृष्ण के शरीर ही गल गए, त्रवित हो गए। आकाशवाणी हुई, जब परेशान हुए कि राधा कृष्ण कहाँ है, आकाशवाणी हुई कि आज के बाद हम जल में जल के रूप में हैं और इसको गंगा के नाम से जाना जाएगा। ये बात राखी जी, गंगा के नाम से। देखिए गंगा मिली कहाँ, अगर तांडव से 14 सूत्र मिले तो फिर राधा महोत्सव में गंगा मिल रही है। चार धाराएं, सीता, चक्षुष, अलकनंदा और भद्रा। कि राधा किशन के वो गल गए तन है, अरे वो रूप गंगा का धारे जो डमरू वाले डमरू बजा बजा बजा, तो गंगा जल मिला सबको वहां, जो नाचे स्वर सजा सजा। ये होता है जवाब आपके, बहुत सुंदर गीत के जवाब का